हेलो गाइस, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग पहले से अच्छे होंगे। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कुछ मूवीज और सीरीज की अपडेट्स के बारे में, तो चलिए जानते हैं एक एक करके। तो फर्स्ट अपडेट स्पेशली उन लोगों के लिए है जो लोग कोरियन कॉमेडी ड्रामा टाइप की मूवीज देखना पसंद करते हैं, तो उनके लिए अच्छी खबर है क्योंकि लास्ट रिलीज हुई कोवेब, बहुत ही जल्द आपको ये मूवी हिंदी डब में देखने को मिलेगी इंडियन वर्ल्ड सर्विस पर। जी हाँ गाइस, इसकी राइट्स है उसे एक्वायर कर लिया गया है इम्पैक्ट फिल्म के द्वारा। हो सकता है कि आपको इस महीने के एंड या फिर जून तक देखने को मिल जाए। फिलहाल इस मूवी को रोटन टोमेटोज पर 74% की रेटिंग मिली है और IMDb पर 6.7 आउट ऑफ 10। तो जो भी हो, चलिए जानते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो अगला अपडेट स्पेशली उन लोगों के लिए है जो लोग वेडनेसडे सीजन 2 के लिए वेट कर रहे हैं। तो उन सभी को बता दूं कि आखिरकार ऑफिशियली ये कंफर्म कर दिया गया है कि इसकी सीजन 2 की फिल्मिंग अब स्टार्ट हो चुकी है और अभी की जो करंट रिपोर्ट है यानी इसकी फिल्मिंग शेड्यूल है उसके मुताबिक इसकी सीजन 2 की फिल्मिंग है वो इस साल नवंबर के मौके पे कंप्लीट हो जाएगी अगर सब कुछ ठीक ठाक रहता है तो। और इसके बाद आपको इसकी सीजन 2 है वो नेक्स्ट ईयर देखने को मिलेगी यानी दिसंबर 2025 तक। इससे पहले आपको देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि ये एक फैंटेसी ड्रामा टाइप की सीरीज है, जिसका मतलब है कि VFX वगैरह का जो काम है वो काफी होगा इस सीरीज में यानी इसकी सीजन 2 में। जो भी हो, अगर इन फ्यूचर कोई और अपडेट निकल के आएगी तो फिर मैं आपको इसकी जानकारी दे दूंगा। तो अगला अपडेट जो लोग एवेंजर पार्ट 5 के लिए वेट कर रहे हैं, तो उन सभी को बता दो कि इसकी फिल्मिंग शेड्यूल है वो निकल के आ रही है प्रोडक्शन लिस्ट के तरफ से, जिसके मुताबिक इसकी फिल्मिंग है वो लॉस एंजलिस में 31 दिसंबर से स्टार्ट होगी इसी साल। और अभी की जो करंट रिपोर्ट है उसके मुताबिक ये मूवी आपके नियर बाय थिएटर में 1 मई 2026 तक देखने को मिलेगी अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो। तो चलिए जानते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो अगला अपडेट स्पेशली उन लोगों के लिए है जो लोग डेड बॉय डिटेक्टिव के लिए वेट करें यानी इसकी सीजन 2 के लिए, तो उनके लिए बुरी अपडेट है क्योंकि इसकी सीजन 1 को अच्छा रिस्पांस ना मिलने के बाद अभी जो करंट रिपोर्ट निकल के आ रही है उसके मुताबिक इसका सीजन 2 है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। वैसे बता दो कि ये सीरीज द सैंडमैन यूनिवर्स का एक पार्ट था, इसे अच्छा रिस्पांस ना मिलने के बाद आगे फॉरवर्ड नहीं किया गया है। तो जो भी हो, चलिए जानते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो अगला अपडेट है लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की अपकमिंग लाइव एक्शन मूवी को लेकर। जी हाँ गाइस, करंटली अपडेट निकल के आ रही है कि इसकी एक न्यू लाइव एक्शन मूवी पर काम स्टार्ट हो चुका है, जिसकी राइटिंग का वर्क है वो स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी। और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक आपको ये लाइव एक्शन न्यू मूवी है वो आपके नियर बाय थिएटर में 2026 तक देखने को मिलेगी। फिलहाल अभी इस न्यू लाइव एक्शन मूवी के रिगार्डिंग ज्यादा अपडेट निकल के नहीं आ पा रही है, तो मे बी आने वाले कुछ महीने में इस पर कोई ना कोई अपडेट और निकल के आ सकती है। अगर आएगी तो मैं आपको इसी तरह के एक और नई वीडियो में इसकी जानकारी दे दूंगा। वैसे इस नोवेल पर ऑलरेडी एक लाइव एक्शन मूवी भी आ चुकी है और एक सीरीज भी आ चुकी है, तो जो भी हो, देखते हैं कि इस न्यू लाइव एक्शन मूवी में क्या क्या चेंजेस किया जाता है और क्या हमें देखने को मिलता है। तो अभी के लिए इतनी अपडेट है, चलिए मिलते हैं इसी तरह के एक और नए वीडियो में। एंटिल देन टेक केयर। We'll be right back.